वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी एंटीजन्स और एंटीबॉडीज की जो रिएक्शन होती है स्पेसिफिक, उनके ऊपर है कि वो किस टाइप की होती है, कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो जनरल फीचर में देखिए कि एंटीजन कंबाइंस विद इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन एन ऑब्जर्वल मैनर एंड इन द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक। यानी एंटीजन कंबाइन विद इट्स एंटीबॉडी, यानी एंटीजन क्या है, कंबाइन यानी जुड़ता है, विद यानी इट्स यानी इसी के लिए जो बनी है, इट्स स्पेसिफिक एंटीबॉडी यानी इसके लिए जो स्पेशल एंटीबॉडी बनी है उसके साथ वो जुड़ता है एक एंटीजन इन एन ऑब्जर्वल मैनर। ऑब्जर्वल मैनर यानी जिस मैनर को अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और अच्छे तरीके से क्या है समझ सकते हैं। एंड इन द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक, और एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट देखिए यूज। यूज के अंदर सबसे पहले क्या है, इन वीवो, यानी इन वीवो के अंदर अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को। तो इन वीवो का मतलब है इन बॉडी यानी ह्यूमंस बॉडी के अंदर। तो इट फॉर्म्स बेसिस ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज, यानी ये क्या है, इम्यूनिटी का जो बेस फॉर्म करती हैं, यानी उसका बेसिस यानी उसका आधार बनाती हैं, और जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टियस एजेंट होता है, उसके खिलाफ जो डिजीज कोज करता है उसके खिलाफ डिफेंस शो करती हैं। नेक्स्ट इट मे लीड टू टिश्यू इंजरी इन सम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड इन ऑटो इम्यून डिजीज। इट मे लीड टू टिश्यू इंजरी, यानी ये क्या है, कई बार टिश्यू के अंदर इंजरी कोज कर देती हैं इन सम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जब क्या है आपका इम्यून सिस्टम हाइपर हो जाए यानी ज़्यादा सक्रियशील हो जाए उस कंडीशन में, एंड इन ऑटो इम्यून डिजीज और ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर। तो एंटीजन एंटीबॉडी का जनरल फीचर क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी कंबाइन, एंटीजन्स कंबाइन होते हैं उनकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के लिए, यानी जैसे मलेरिया का एंटीजन है कोई, तो वो मलेरिया के जो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी उसी के साथ कंबाइन होगा इन एन ऑब्जर्वल मैनर, यानी अच्छे तरीके से जो रिएक्शन का मैनर होता है जिसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उस मैनर के अंदर। एंड इन द रिएक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज स्पेसिफिक, और एंटीजन्स और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है वो स्पेसिफिक होती है। यूज देखिए इसका, तो इन वीवो के अंदर अपन काम में लेते हैं यानी इन बॉडी के अंदर। तो इट फॉर्म्स बेसिस ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्टियस एजेंट या इन्फेक्टियस डिजीज, यानी ये इम्यूनिटी का बेस फॉर्म करता है किसी इन्फेक्टियस एजेंट के लिए, या कोई डिजीज हो गई आपकी ह्यूमन बॉडी में किसी प्रकार की, या फिर कोई एजेंट आ गया यानी एंटीजन जो इन्फेक्शन कोज कर देगा, तो उसके खिलाफ क्या है एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन ही क्या है, इम्यून सिस्टम का बेस प्रोवाइड करती हैं यानी उसका आधार बनाती हैं। नेक्स्ट इट मे लीड टू टिश्यू इंजरी, हो सकता है कई बार क्या है कि ये आपकी टिश्यू की इंजरी कर दे यानी उसको नुकसान पहुंचा दे यानी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कारण, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर। नेक्स्ट देखिए इन द लैब, यानी लैब के अंदर देखिए इन विट्रो, तो लैब के अंदर अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं, यानी इन विट्रो हो गया वो तो इन वीवो था, ये इन विट्रो। फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिटेक्शन एंड क्वांटिटेशन आइदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यानी फॉर डायग्नोसिस यानी किसी चीज़ को डायग्नोज करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, ऑफ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन का, डिटेक्शन एंड क्वांटिटेशन आइदर एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन को या एंटीबॉडी को डिटेक्शन यानी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइप के वो हैं और वो कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हैं, क्या अपन एंटीजन एंटीबॉडीज को रिएक्शन को काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं स्पेसिफिक, तो रिएक्शन इज स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक एंटीजन्स कंबाइन ओनली विद ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी और वाइस विसरा, यानी क्या है कि रिएक्शन जो है वो स्पेसिफिक होती है, एक स्पेसिफिक एंटीजन कंबाइन होता है ओनली विद ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी यानी उस एंटीबॉडी के साथ जो उसी के लिए फॉर्म हुई है, बनी हुई है, यानी वाइस विसरा यानी ऑब्जर्वल मैनर के अंदर वो रिएक्शन करते हैं, सिमिलर जो कंपाउंड होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट हाउ ईवर क्रॉस रिएक्शन में अकर ड्यू टू एंटीजन एक सिमिलरली, यानी कई बार क्या है कि क्रॉस रिएक्शन हो जाती है अगर एंटीजन्स के अंदर क्या हो, सिमिलरिटी हो यानी वो एक दूसरे के सिमिलर हो। नेक्स्ट इंटायर मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट एंड नोट द फ्रेगमेंट, इंटायर का मतलब है कंप्लीट,
यानी पूरा, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल जो एंटीजन और एंटीबॉडीज के वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, नोट द फ्रैगमेंट, यानी कोई फ्रैगमेंट छोटा सा पार्ट उनका रिएक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, दिस रिएक्शन इज फर्म बट रिवर्सिबल, ये रिएक्शन बनती है और कई बार क्या है रिवर्सिबल भी है, यानी ये रिवर्स फेज के अंदर भी जा सकती है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, रिएक्शन क्या है, स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक एंटीजन के, स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही रिएक्शन करता है। कई बार क्या है क्रॉस रिएक्शन हो जाती है अगर एंटीजन्स क्या हो आपके सिमिलर हो, उनकी सिमिलरिटी के कारण, और एंटीजन्स और एंटीबॉडी के कंप्लीट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, कोई फ्रेगमेंट उनका एक दूसरे के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता, और ये रिएक्शंस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं यानी वापस भी हो सकते हैं। और इन विट्रो के अंदर अपन किस चीज़ के लिए काम में लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को, तो इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए लैब के अंदर कि HIV का इन्फेक्शन या फिर किसी भी टाइप का इन्फेक्शन उसको डिटेक्ट करने के लिए, और कितने एंटीजन्स और एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनका क्वांटिटेशन देखने के लिए यानी उनकी मात्रा देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के क्या टाइप हैं। तो सबसे पहली जो आपकी रिएक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए वेहन ए सोल्यूबल एंटीजन रिएक्ट विद इट्स एंटीबॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड pH। यानी वेहन ए सोल्यूबल एंटीजन, यानी जब कोई घुलनशील एंटीजन रिएक्ट करता है विद इट्स एंटीबॉडी यानी उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में और ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH के ऊपर, यानी जब कोई सोल्यूबल यानी घुलनशील एंटीजन किसी उसकी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स और ऑप्टिमम टेम्परेचर और pH की प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म एंड इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेशन एंड इट्स सेल्स प्रेसिपिटेशन, यानी ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो क्या फॉर्म करता है, इनसोल्यूबल यानी अघुलनशील प्रेसिपिटेशन कोज करता है, एक अवक्षेप बनाता है या फिर सेल प्रेसिपिटेशन बनाता है। नेक्स्ट देखिए फ्लोक्युलेशन, यानी किसी चीज का तैरना, फ्लोक्युलेट होना। तो व्हेन इंस्टेड ऑफ सेडिमेंटिंग, यानी जब कोई चीज नीचे बैठने के स्थान पर यानी नीचे जमने के स्थान में, सेडिमेंट का मतलब होता है तलछट, द प्रेसिपिटेट इज सस्पेंड डिड एज ए फ्लोक्यूल्स, यानी जब कोई क्या है प्रेसिपिटेट नीचे सेडिमेंट होने के स्थान पे फ्लोक्युलेट होता है यानी तैरता रहता है, द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्लोक्युलेशन। तो उस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, फ्लोक्युलेशन बोलते हैं। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये क्या है प्रेसिपिटेशन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो प्रेसिपिटेशन क्या है कि जब एक घुलनशील एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन करता है इलेक्ट्रोलाइट और ऑप्टिमम टेम्परेचर या pH की प्रेजेंस में, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो इनसोल्यूबल होता है रिएक्शन करने के बाद, यानी अघुलनशील होता है, प्रेसिपिटेट बनाते हैं यानी अवक्षेप बन जाता है सेल के अंदर। फ्लोक्युलेशन का मतलब है जब वो प्रेसिपिटेशन बॉटम में न बैठ के यानी तलछट के अंदर न बैठ के वो तैरने लग जाए अगर फ्लूइड के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लोक्युलेशन बोलते हैं। और ये क्या है प्रेसिपिटेशन की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो प्रेसिपिटेशन के अंदर एंटीजन क्या है, ये डिफरेंस है प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन के अंदर कि प्रेसिपिटेशन में एंटीजन कैसा है, सोल्यूबल एंटीजन है। तो ये आप अच्छे तरीके से रिमेम्बर रख लीजिए, याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन जो है वो किस तरीके से काम करती है। तो मारिक प्रपोज लैटिस हाइपोथेसिस विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, यानी मारिक नाम के साइंटिस्ट ने क्या प्रपोज किया था, एक जो थ्योरी प्रपोज की थी, एक स्टोरी दी थी, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लैटिस हाइपोथेसिस बोलते हैं या हाइपोथेसिस बोलते हैं, विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, जो ज्यादातर एक्सेप्ट की गई है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट मल्टीवेलेंट एंटीजन्स कंबाइंड विद बाइवेलेंट एंटीबॉडी,
यानी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मल्टीवेलेंट जो एंटीजन्स होते हैं, यानी जो क्या है, काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ के साथ कंबाइंड हो सकते हैं विद बाईवेलेंट एंटीबॉडी, जो ऐसी एंटीबॉडी के साथ क्या है रिएक्शन करते हैं जो क्या है दो एंटीजन्स के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। किनके अकॉर्डिंग? मल्टीवेलेंट यानी ऐसे एंटीजन जो काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं वो किसके साथ जुड़ जाते हैं? बाईवेलेंट एंटीबॉडीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, यानी ऐसी एंटीबॉडी जो एक एंटीबॉडी दो एंटीजन के साथ अटैच हो सकती है। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन अकर वेयर लार्ज लैटिस इज फॉर्म। प्रेसिपिटेशन बन जाता है जब लार्ज लैटिस का मतलब है कोई जाल बन जाए। दिस अकर इन द जोन ऑफ इक्विलेंस, और ये जो जोन है ये जोन कब बनता है लैटिस यानी, तो कब बनता है इक्विलेंस यानी एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या इक्विल अमाउंट में हो, यानी उनका पूरा पूरा इक्विलेंस हो, तब क्या बनता है? प्रेसिपिटेशन बनता है। इन द जोन ऑफ एंटीजन एक्सेस द वैलेंसी ऑफ एंटीबॉडी आर फुल्ली स्पेसिफाइड विच रिजल्ट्स इन फेलियर टू फॉर्म ए लार्ज लैटिस, यानी जब अगर क्या है एंटीजन अगर एक्सेस अमाउंट में होगा तो एंटीबॉडीज की जो वैलेंसी है वो क्या है फुल हो जाएगी, पूरे तरीके से वो सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं अपन फेलियर टू फॉर्म ए लार्ज लैटिस, जिसके अंदर क्या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या है फेल हो जाएंगे प्रेसिपिटेशन बनाने के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कंसेप्ट है कि मारिक के अकॉर्डिंग, मारिक नाम के साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कि मल्टीवेलेंट एंटीजन्स किसके साथ कंबाइंड होते हैं? बाईवेलेंट एंटीबॉडीज़ के साथ जुड़ते हैं वो, और प्रेसिपिटेशन बना लेते हैं, एक बड़ा जाल बना लेते हैं। ये कब होता है? जब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है इक्वल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हो रिएक्शन में। अगर एंटीजन एक्सेस अमाउंट में होगा तो एंटीबॉडीज़ की जो वैलेंसी है वो फुल हो जाएंगी, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि जो मार्क लैटिस बनना है, लार्ज लैटिस यानी जाल बनना है, वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा, यानी लैटिस हाइपोथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली इन द जोन ऑफ एंटीबॉडीज एक्सेस द वैलेंसी ऑफ एंटीजन आर टेकन अप विद एंटीबॉडी इन द रिजल्ट इन फेलियर टू फॉर्म ए लार्ज लैटिस। इसी तरीके से सिमिलर क्या है, अगर एंटीबॉडीज एक्सेस होंगी तो एंटीजन की जो वैलेंसी है वो फुल हो जाएंगी, तो क्या है कि लार्ज जो लैटिस बनना है, जाल बनना है, वो नहीं बन पाएगा, उसके अंदर फेलियर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस को अपन किस काम में ले सकते हैं, उनको अप्लाई कहाँ करते हैं? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में लेते हैं। डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, एग्जाम्पल VDRL इन सिफिलिस, यानी एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए सिफिलिस नाम की डिजीज के अंदर VDRL के द्वारा भी अपन किसको काम में लेते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को ही काम में लेते हैं। तो शुरू अगर एंटीबॉडीज भी एक्सेस जोन में होगी तो क्या है कि लैटिस हाइपोथेसिस नहीं बन पाएगा, क्योंकि एंटीजन की वैलेंसी क्या है फुल हो जाएगी, और अपन इसको अप्लाई कहाँ कर सकते हैं? तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफिकेशन में और VDRL के द्वारा सिफिलिस डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है, उसके सब टाइप हैं ये। तो सबसे पहले रिंग टेस्ट, कि एंटीजन सॉल्यूशन इज लेयर्ड ओवर एन एंटी सीरम इन ए नैरो ट्यूब, यानी एंटीजन्स का जो सॉल्यूशन है उसको लेयर्ड यानी अपन धीरे धीरे क्या करते हैं लेयर बनाते हैं एक एंटी सीरम के ऊपर यानी एंटीबॉडीज के ऊपर एक नैरो ट्यूब के अंदर। ए प्रेसिपिटेट रिंग अपीयर एट द जंक्शंस ऑफ द टू लिक्विड्स, और जहाँ पे ये दोनों लिक्विड मिलेंगे यानी एंटीजन और एंटी सीरम का यानी एंटीबॉडी, ये दोनों जब एक ट्यूब के अंदर मिलेंगे तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगी, एक रिंग बन जाएगा यानी एक छल्ले जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है? CRP टेस्ट यानी कोरिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। तो रिंग क्या है कि एक जब एंटीजन्स का सॉल्यूशन की एक लेयर बनाएंगे अपन एंटी सीरम के ऊपर यानी एक परत बनाएंगे एक नैरो ट्यूब के अंदर, तो क्या बनेगी? एक रिंग बनेगी, जिसी को क्या बोलते हैं अपन रिंग टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्लोक्युलेशन टेस्ट, तो कैन बी डन इन स्लाइड एंड इन ट्यूब, यानी फ्लोक्युलेशन टेस्ट अपन दो फेज में करते हैं, स्लाइड्स के अंदर ऊपर भी करते हैं और ट्यूब्स के अंदर भी करते हैं। सबसे पहले देखिए स्लाइड का टेस्ट, तो ए ड्रॉप ऑफ एंटीजन सॉल्यूशन
इज एडेड टू ए ड्रॉप ऑफ इनएक्टिवेटेड पेशेंट सीरम ऑन ए स्लाइड, यानी एक एंटीजन का सॉल्यूशन है उसके साथ क्या है आपको पेशेंट के सीरम की एक ड्रॉप ऐड कर देनी है, यानी पेशेंट के सीरम में आप क्या डिटेक्ट करोगे एंटीबॉडीज, यानी सीरम की स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ऐड कर देनी है। मिक्सड बाय सेकिंग फ्लॉक्यूल्स अपीयर, और सेकिंग के द्वारा यानी मिक्सिंग जब अपन उनको मिक्स करेंगे सेकिंग करके तो क्या बनेंगे फ्लॉक्यूल्स दिखाई देंगे आपको। एग्जाम्पल देखिए इसका कि VDRL टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट सिफिलिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लाइड फ्लॉक्यूल्स, यानी VDRL टेस्ट जो सिफिलिस की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं ये क्या है एग्जाम्पल है किसका स्लाइड फ्लॉक्यूल्स का। और इसी तरीके से यही सेम प्रोसीजर क्या रहता है ट्यूब टेस्ट का रहता है जिसके अंदर अपन एंटीजन एंटीबॉडीज को मिक्स करके देख लेते हैं कि उसमें फ्लॉक्यूल्स अपीयर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं ट्यूब के अंदर। तो फ्लॉक्यूलेशन को अपन क्या है दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो स्लाइड मेथड से एक ट्यूब मेथड से। स्लाइड मेथड में क्या होता है कि अपन एक एंटीजन लेंगे जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आपको डिटेक्ट करनी है स्लाइड के ऊपर, उसी स्लाइड पे क्या है पेशेंट का सीरम लेंगे और उन दोनों को मिक्स करेंगे और सेकिंग करेंगे उनकी, जिससे क्या है फ्लॉक्यूल्स अपीयर होंगे आपको दिखाई देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपका VDRL टेस्ट हो गया जो किसके लिए काम में लेते हैं कि सिफिलिस की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट के सीरम में काम में लेते हैं। और यही सेम प्रोसीजर किसके अंदर है स्लाइड यानी ट्यूब टेस्ट के अंदर है, टेस्ट ट्यूब में भी अपन क्या है यही मेथड काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, तो ये भी एक टाइप है किसका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का थर्ड टाइप। तो दीज आर, और इम्यूनो डिफ्यूजन में भी फिर सब टाइप्स होते हैं जो आगे देखेंगे आप। दीज आर प्रेसिपिटेशन इन टेस्ट इन जेल, यानी ये क्या है प्रेसिपिटेशन टेस्ट किसके अंदर अप्लाई करते हैं अपन जेल के अंदर। इम्यूनो डिफ्यूजन इज जनरली डन इन 1% एगार जेल, और इम्यूनो डिफ्यूजन का जो प्रोसीजर होता है वो जनरली अपन किसके अंदर करते हैं 1% एगार जेल के अंदर। इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब देख लीजिए आप कि एंटीजन एंटीबॉडीज को, डिफ्यूजन का मतलब है डिफ्यूज करना स्प्रेड करना फैलाना। वेरियस इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट यानी अलग अलग प्रकार के इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट आप नीचे डिस्कस करेंगे जिसके अंदर पहला क्या है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। रेडियल का मतलब क्या है स्पोक लाइक व्हील, यानी जो साइकिल के अंदर जो लोहे की व्हील होती है उसके जैसा। देखिए द एंटी सीरम इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन एगार जेल ऑन ए स्लाइड ए पेट्री डिश। एंटी सीरम यानी क्या है एंटीबॉडीज आप क्या है इनकॉर्पोरेटेड यानी अप्लाई कर दोगे एगार जेल और उस दोनों को मिक्स करके किसके ऊपर एक स्लाइड के ऊपर या पेट्री डिश के ऊपर यानी उसके ऊपर कवर बना दोगे एक एंटी सीरम और एगार जेल को मिक्स करके उनकी। द वेल्स आर कट ऑन द सरफेस ऑफ एगार जेल, और एगार जेल की सरफेस पे क्या एक वेल बनाओगे आप एक गड्ढा बनाओगे। एंटीजेनिक इज एडेड टू द वेल, और फिर क्या एंटीजन को आप क्या है उस वेल के अंदर ऐड करोगे। द एंटीजन डिफ्यूज रेडियली एंड रिंग शेप बैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन आर फॉर्म्ड अराउंड द वेल, यानी क्या है कि एंटीजन डिफ्यूज हो जाएगा फैल जाएगा रेडियली यानी क्या रेडिएशन यानी रेडिकली यानी रेडिएशन की तरह किरण की तरह, एंड रिंग शेप यानी क्या है रिंग के जैसी स्ट्रक्चर बना लेंगे बैंड्स ऑफ प्रेसिपिटेशन यानी प्रेसिपिटेशन के बैंड, क्योंकि वो जहां जहां मिलेंगे चारों तरफ से मिल जाएंगे क्योंकि वो रेडियली स्प्रेड हो रहा है चारों दिशाओं में, तो क्या है प्रेसिपिटेशन हो जाएगा अराउंड द वेल यानी वेल के चारों तरफ क्या है रिंग के जैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी अलग अलग एंटीजन्स आपको स्प्रेड हुए एक रेडिएशन में यानी एक किरण की तरह दिखाई देंगे गड्ढे के चारों तरफ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या करते हैं कि एंटी सीरम और जेल को अपन स्लाइड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं फिर क्या एक वेल प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसमें एंटीजन अप्लाई कर देते हैं फिर उनकी रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट द डायामीटर ऑफ द रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन, यानी जो रिंग का डायामीटर होगा यानी वो उसका साइज जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन यानी पेशेंट के सीरम में एंटीजन कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है उसको एस्टिमेट कर लेंगे उसका डायामीटर चेक करके। यूजेस देखिए रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन के, तो इट हैज़ बिन वाइडली एम्प्लॉयड फॉर एस्टिमेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस, इसको क्या इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस को डिटेक्ट करने के लिए अपन काम में लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, तो जैसे IgG को डिटेक्ट करने के लिए IgG का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, IgM को डिटेक्ट करने के लिए IgA को डिटेक्ट करने के लिए पेशेंट के सीरम में। नेक्स्ट देखिए
सेकेंड टाइप की इम्यूनो डिफ्यूजन रिएक्शन जो क्या है, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस कंबाइंस इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनो डिफ्यूजन, यानी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक जोड़ है, कंबाइनिंग रिएक्शन है किसकी, इलेक्ट्रोफोरेसिस की यानी इलेक्ट्रिसिटी रिएक्शन की और इम्यूनो डिफ्यूजन की। नेक्स्ट, दिस इज डन ऑन ए ग्लास स्लाइड लेयर विद सेमी सॉलिड अगार, यानी ये क्या है, ग्लास स्लाइड के ऊपर डन करते हैं, यानी पूरा प्रोसीजर करते हैं अपन इस रिएक्शन का, और सेमी सॉलिड एगार जेल के, जेल को काम में लेते हैं अपन स्लाइड के ऊपर, यानी स्लाइड के ऊपर क्या है अपन सेमी सॉलिड जेल की एक लेयर बना देते हैं, एक परत बना देते हैं। सबसे पहले ए वेल ऑफ कट एन एंटीजन इज फील्ड, और एक आप गड्ढा यानी एक कट लगाओगे किसके अंदर, उस सरफेस के ऊपर, सेमी सॉलिड एगार जेल की सरफेस पे, और जिसमें क्या फिल कर दोगे, एंटीजन अप्लाई कर दोगे। तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस और इम्यूनो डिफ्यूजन की कंबाइन रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या है कि ग्लास के स्लाइड के ऊपर अपन सेमी सॉलिड एगार की एक लेयर बनाते हैं, उसमें कट लगा के क्या फिल कर देते हैं, एंटीजन। एंटीजन फिल करने के बाद द फर्स्ट स्टेप इज इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ एंटीजन फॉर एन अबाउट एक एन आवर, फिर क्या है कि सबसे पहला क्या स्टेप है कि आप एंटीजन का क्या करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, टाइम कितना, फॉर एन अबाउट एन आवर, यानी एक घंटे के लिए। नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर ट्रफ इज कट इन द एगार पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ एंटीजन एंड फिल्ड विद एंटीबॉडीज, यानी क्या है, फिर एक रेक्टेंगुलर यानी लंबा कट लगाओगे उसी एगार जल की स्लाइड के ऊपर, पैरेलल यानी समांतर लगाओगे वो कट किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है स्लाइड के ऊपर, उसी डायरेक्शन के आगे समांतर लंबवत क्या है आप वो कट लगाओगे, और ये कट क्या है, लंबा लगाओगे एंटीजन की माइग्रेशन के पैरेलल, एंड फिल्ड विद एंटीबॉडीज, और उस कट को किसके साथ फिल कर दोगे आप, एंटीबॉडीज के साथ उसको फिल कर दोगे, भर दोगे स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इज अलाउड टू प्रोड्यूस फॉर 18 to 24 hours, फिर क्या है, डिफ्यूजन को आप अलाउ कर दोगे कितने घंटे के लिए, 18 से 24 घंटे के लिए, कि डिफ्यूजन को चलता रहे। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन लाइन्स डेवलप ईच सेपरेटेड कंपोनेंट ऑफ द एंटीजन, और अलग अलग एंटीजन की अलग अलग प्रेसिपिटेशन लाइन क्या है, फॉर्म हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी किसके ऊपर, एगार जेल के ऊपर। बाय दिस टेक्निक ए नंबर ऑफ एंटीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन द ह्यूमन सीरम, और इस टेक्निक के द्वारा अपन क्या है कि नंबर्स काउंट कर सकते हैं कि पेशेंट के सीरम के अंदर कितने एंटीजन प्रेजेंट हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल सीरम प्रोटीन्स लाइक माइलोमा प्रोटीन्स, इट इज पर्टिकुलरली यानी मोस्टली किसके लिए काम में लेते हैं, इसको डिटेक्ट करने के लिए, नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, सीरम के अंदर माइलोमा प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो रेडियल सॉरी इलेक्ट्रो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, किसके अंदर अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले तो एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर एगार सेमी सॉलिड एगार को अप्लाई कर देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, फिर उसके अंदर एक कट लगा के वेल बना के गड्ढा बना के उसमें एंटीजन अप्लाई कर देते हैं, फिर उसको एक घंटे तक इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए छोड़ देते हैं, फिर एंटीजन जिस डायरेक्शन में माइग्रेशन करता है यानी वो जिस डायरेक्शन में स्प्रेड होता है उसके समांतर एक कट लगाते हैं लंबा, यानी रेक्टेंगुलर ट्रफ कट लगाते हैं, और उसमें क्या फिल कर देते हैं, एंटीबॉडीज फिल कर देते हैं, फिर उसको 24 घंटे के लिए अपन छोड़ देते हैं स्लाइड को डिफ्यूजन के लिए, और 24 घंटे बाद जितनी लाइनिंग नेटवर्क होगी जहां जहां एंटीजन बनेगा वहां वहां अलग अलग स्प्रेड लाइन होगी, उसके द्वारा क्या है अपन एंटीजन्स को काउंट कर सकते हैं इसके इस रिएक्शन के द्वारा, यानी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस रिएक्शन के द्वारा, और माइलोमा प्रोटीन्स को सीरम के अंदर डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस रिएक्शंस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, अभी जो पढ़ा था वो था इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, कल क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन यानी इम्यूनो डिफ्यूजन रिएक्शंस का थर्ड टाइप और लास्ट टाइप, उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन आएगी आपके एंटीजन एंटीबॉडी की एंड एंटी ग्लूटेशन रिएक्शन है यानी एंटी ग्लूटेनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी आएगी सेकेंड टाइप की रिएक्शन प्रेसिपिटेशन के बाद, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन आएगी जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन्स को और एग्लूटिनेशन रिएक्शंस को दोनों को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्या उनका पूरा प्रोसीजर होता है, किस तरीके से वो काम करती है।
थैंक्स टू ऑल।